हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों ने और भी सब्जेक्ट्स के लिए कहा है कि इम्पोर्टेंट बता दीजिए। तो इम्पोर्टेंट समझ लीजिए इस साल के लिए 2020 के लिए बिजनेस फाइनेंस का हम अभी पहले बता रहे हैं। इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस और ऑडिट दोनों को बताएंगे। बिजनेस फाइनेंस में पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये याद रखिएगा ये पूरा जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन इसमें जो है न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट जरूर है लेकिन इसमें न्यूमेरिकल बोला नहीं जाएगा, पूछा नहीं जाएगा और सिर्फ थ्योरी ही पूछी जाएगी। अब उसमें अगर आप फॉर्मेट बना देते हैं न्यूमेरिकल, जैसे ट्रेडिंग पिछले एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछा तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देंगे तो ठीक होता है, अच्छा रहेगा। पहला चैप्टर इसमें नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस, फाइनेंस फंक्शन जरूरी है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी जरूरी है, फिर ये फाइनेंशियल का फॉर्म एंड करेक्टर ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पीएल, इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे जितने रेशियो हैं फंड फ्लो कैश फ्लो में से भी हमेशा पूछा जाता है, दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा। फिर थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन में भी को भी अच्छे से ध्यान दीजिए। ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन जरूर पढ़िए। लेवरेज में ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज ध्यान दीजिए और कैपिटल बस्टिंग का कोई है नहीं विशेष इसमें, और उसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड मेथड, ये दोनों मेथड देख लीजिएगा और वाल्टर फार्मरल डिविडेंड मॉडल का जरूर पढ़ के जाइएगा। तो बिजनेस फाइनेंस में तो आपको इतना देखना है। अब जहाँ तक बात है आती है ऑडिट की, तो ऑडिट के लिए अगर आप ध्यान दीजिए तो ऑडिट में आपको पहला वाला चैप्टर ध्यान ही देना है, फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है, स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट और ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट फाइल और ऑडिट वर्किंग पेपर रूटीन चेकिंग, ये ध्यान देना। फिर इंटरनल चेक जो है, तो इंटरनल चेक में आप उसके ऑब्जेक्टिव इंटरनल चेक क्या होता है, फिर जो है परचेज से रिलेटेड सेल से रिलेटेड ट्रेड डेटर्स रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। फिर वाचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में उसके प्रिंसिपल्स हैं, वाउचर्स उनकी रिलायबिलिटी और वाचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वेरिफिकेशन के, इनको ध्यान दीजिए। फिर जो है कंपनी ऑडिटर में कंपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ड्यूटीज पावर राइट, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर ऑडिटिंग ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी में कोई एक पूछते हैं तो बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी का किसी एक का देखिए। कास्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कास्ट ऑडिट देख लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट वाले में इसमें कई बॉडीज़ की ऑडिट के लिए लिखा हुआ है, तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं होटल्स हैं इनकी कई बॉडीज़ के लिखा है तो उसको भी थोड़ा से देख लीजिएगा। तो ये ऑडिट का हो गया। और ऑडिट का पेपर करते वक्त थोड़ा से ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि जैसे जिन लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट कायदे से पढ़ा हुआ है तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हिसाब किताब चेक कैसे करना है बस यही इसमें ज़्यादा ध्यान से लिख देना है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई समस्या परेशानी बनी रहती है तो आप हमको जैसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।